प्रीवियस वीडियो में हमने नेबरहुड और उसकी डेफिनेशन को देखा था, समझा था, और उस पर बेस्ड जो उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उसको हमने प्रूव किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेबरहुड सिस्टम क्या है, नेबरहुड सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे, और नेबरहुड सिस्टम किन पॉइंट्स को फॉलो करता है, ये 5 पॉइंट्स है, इनको फॉलो करता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। हो सकता है एज इट इज आपसे ये प्रूव करवा ले तो इनको हम प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, नेबरहुड सिस्टम है क्या। तो नेबरहुड सिस्टम ऐसा कुछ नया तो है नहीं, जो भी हम सेट एक्स लेते थे टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो से, ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग करवाते थे उस कैपिटल एक्स सेट से, ठीक है, और फिर हम प्रूव करते थे कि जो कैपिटल एक्स है वो एक्स का नेबरहुड है ना। अगर वो नेबरहुड बन गया तो उन सभी का कलेक्शन अगर मैं कर दूं तो वो बन जाएगा नेबरहुड सिस्टम, और उसको डिनोट करते हैं एन एक्स से, इस वाले से, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, इनको थ्योरम ही नाम दे दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये नेबरहुड सिस्टम फॉलो करता है, इनको प्रूव करेंगे, इसलिए मैंने इनको थ्योरम बोल दिया। लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर एक्स टो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उस केस में ये 5 पॉइंट हमको प्रूव करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या है एन एक्स, यानी ये सिस्टम वाले बोल रहे हैं नेबरहुड सिस्टम, जो नेबरहुड सिस्टम है वो फाई के इक्वल नहीं होगा, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, ठीक है, वो फाई नहीं आएगा, खाली नहीं रहेगा। देखो कैसे, फर्स्ट पॉइंट को मैं प्रूव कर रहा हूं। अब देखो जो एन एक्स है ना वो नॉट इक्वल फाई लेके आना है, तो आपको सेट क्या रखा है, एक्स रखा है, तो इसका मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं स्मॉल एक्स, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू गिवन सेट कैपिटल एक्स, ठीक है, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल एक्स सेट से, तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी सेट हो खुद का सबसेट तो होता ही है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, यही तो नेबरहुड की है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कैपिटल एक्स है इस स्मॉल एक्स इस एलिमेंट का नेबरहुड बन गया, एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स, अगर ये एक्स इस एक्स का नेबरहुड बन गया इसका मतलब ये कहां से बिलोंग करेगा, फिर एन एक्स से बिलोंग करेगा। भाई नेबरहुड बन गया ना तो उनका कलेक्शन भी होगा, कि जितने भी नेबरहुड बनते जाएंगे ना उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इंप्लाइज एन एक्स जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स, ठीक है, जो सेट एक्स स्मॉल एक्स का नेबरहुड आया था वो एन एक्स से बिलोंग करेगा, एन एक्स से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एन एक्स में कुछ ना कुछ जरूर एलिमेंट है ना, तो ये फाई तो नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज एन एक्स नॉट इक्वल फाई, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट को, देखो तो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में गिवन क्या है वो लिख लो पहले, गिवन दैट क्या रखा हमको, A is the, A belongs to NX. A belongs to NX. इसका मतलब क्या है? जो A है ना, वो collection किसके collection से belong कर रहा है? जो X का neighborhood बताए. इसका मतलब क्या हो गया? जो A है, वो भी X का neighborhood होगा. तभी तो NX से belong कर रहा है. ठीक है? तो क्या लिखूं? That implies A is neighborhood of X. ठीक है? अगर A X का neighborhood है, तो क्या होना चाहिए? There exist open set Z belongs to to such that किस टाइप से, जो X element आपने लिया वो कहां से belong करे, उस Z से, और Z किसका subset बन जाए, A का बन जाए, ठीक है, ये statement हमने पढ़ी थी neighborhood में, okay। अच्छा अब देखो यहां पे एक चीज और given है, जो A है ना वो B का subset है, तो क्यों ना मैं इसको subset बता दूं B का, A is the subset of B given है। अच्छा तो अब मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं ना, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू जी इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी किसकी डेफिनेशन है, नेबरहुड की, तो कौन किसका नेबरहुड बनेगा यहां से, ये जो बी है ये एक्स का नेबरहुड बनेगा, ठीक है, बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, बी अगर एक्स का नेबरहुड हो गया, और यहां पे एन एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स के जो भी नेबरहुड आएंगे ना उनका कलेक्शन, एक्स का नेबरहुड ए था, ठीक है, तो मैंने लिखा था जो ए है वो एन एक्स से बिलोंग कर रहा है, एक्स का नेबरहुड अगर बी आ गया तो बी कहां से बिलोंग करेगा, बी एन एक्स से बिलोंग करेगा ना, दैट इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू एन एक्स, यही तो हमको प्रूव करना था सेकेंड में, ठीक है। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट,
जो थर्ड पॉइंट है उसको पढ़ो एक बार। थर्ड पॉइंट में इसने क्या बोल रखा है, गिवन क्या है वो देख लो एक बार। ए बिलोंग्स टू एन एक्स, यानी वो वाली कंडीशन है सेकंड वाली, पहले तो है ना, जो ए है वो एन एक्स से बिलोंग कर रहे है। अगर ए एन एक्स से बिलोंग कर रहा है तो वो ही लिखेंगे जो सेकंड में क्या था, गिवन दैट ए इज ए बिलोंग्स टू एन एक्स। अगर ए एन एक्स से बिलोंग कर रहा है दैट इंप्लाइज A इज नेबरहुड ऑफ X। अगर A X का नेबरहुड है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट Z, और कहां से बिलोंग करे वो, टो से, सच दैट, किस तरह से, जो X एलिमेंट आपने लिया कहां से, Z से, वो सबसेट बन जाए किसका, A का, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ओके, अब देखो जो Z X है ना वो Z का एलिमेंट है, ठीक है, और Z किसका सबसेट है, A का सबसेट है, यानी इसके जो एलिमेंट है उन्हीं का सेट है और उन्हीं में से x आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं कि जो x है वो भी a से बिलोंग करे, ठीक है, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, हेंस प्रूव। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, तो फोर्थ पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है तो ये काफी स्पेस लेगा, तो पहले मैं इसको रफ करता हूं। जो फोर्थ पॉइंट है इसको देखते हैं, यहां पे आपको दो कंडीशन दे रखी है, क्या अगर ए एन एक्स से बिलोंग करे और बी एन एक्स से बिलोंग करे तो इनका इंटरसेक्शन भी एन एक्स से बिलोंग करना चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है उसको लेता हूं, गिवन दैट ए बिलोंग्स टू एन एक्स, अगर ए एन एक्स से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, अगर ए एक्स का नेबरहुड है तो क्या लिखूंगा, There exist open set Z belongs to टो such that, किस तरीके से, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कौन सी वाली को, X belongs to Z जो कि टो से बिलोंग कर रहा था, ओपन सेट, ठीक है, और वो सबसेट बन जाए किसका, A का, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रखी है, एंड B belongs to NX, अगर B NX से बिलोंग कर रहे है तो उस केस में B जो है वो X का नेबरहुड बनेगा, B इज नेबरहुड ऑफ X, अगर B X का नेबरहुड है दैट इंप्लाइज क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, अब की बार G उसमें ले लिया, मैं H ले लेता हूं, H बिलोंग्स टू टो सच दैट X बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करे, टो से, टो वाले जो सेट था उससे, यानी H से, और वो सबसेट बन जाए किसका, B का, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो X और X का इंटरसेक्शन क्या आएगा, X आएगा, बिलोंग्स टू, ओके, Z और H का इंटरसेक्शन, Z इंटरसेक्शन H आएगा, और सबसेट इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो A इंटरसेक्शन B आएगा, ठीक है। अच्छा, ये दिखने में क्या लग रहा है कि ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें ये ओपन सेट होता है, मतलब टो से बिलोंग करता है, क्या ये टो से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखो टोपोलॉजी के फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था, अगर Z बिलोंग करे टो से और H भी बिलोंग करे टो से, दैट इंप्लाइज उनका इंटरसेक्शन Z इंटरसेक्शन H वो भी टो से बिलोंग करेगा। जब स्टार्ट में हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी उसके जब चार पॉइंट पढ़े थे तो उन चारों पॉइंट को प्रूव किया था, तो उसका जो चौथा पॉइंट था ना वो ये तो था, अगर Z और H टो से बिलोंग करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी टो से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहां से बिलोंग कर रहा है, Z इंटरसेक्शन H टो से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई टो से बिलोंग करता है इसका मतलब वो ओपन सेट है ना, तो बीच वाला ओपन आता है किसकी डेफिनेशन में, नेबरहुड की डेफिनेशन में, इसका मतलब ये किसका नेबरहुड बन जाएगा, ए का नेबरहुड बनेगा ना, तो क्या लिखें, दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स का नेबरहुड है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कहां से बिलोंग करेगा, फिर एनएक्स से बिलोंग करेगा, यही तो प्रूव करना होगा हमको, बिलोंग्स टू एनएक्स, दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू एनएक्स, हेंस प्रूव। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है उसको देखो, लास्ट पॉइंट इसका, तो यहां पे इसने दे रखा है ए अगर एनएक्स से बिलोंग करे तो इसी को लिखो पहले, गिवन दैट, क्या हमको दे रखा है ए बिलोंग्स टू एनएक्स, अगर ए एनएक्स से बिलोंग कर रहा है दैट इंप्लाइज ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ए एक्स का नेबरहुड होगा, ठीक है।
दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट. अब वो ओपन सेट क्या ले, इसने बोल रखा है ओपन सेट बी आपको लेना है जो कि टो से बिलोंग करे. ओपन सेट बी बिलोंग्स टू टो सच दैट, फिर हमको ये प्रूव करना है. लेकिन नेबरहुड की डेफिनेशन से क्या लिखते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये होना चाहिए ठीक है. लेकिन हमको तो जो बी है ना उसको nx से बिलोंग करवाना है, यानी बी को एक्स का नेबरहुड बताना है. तो क्या करेंगे, That implies x belongs to b, और ऐसा लिख सकते हैं b b का सबसेट हो, बिल्कुल कोई भी सेट हो खुद का सबसेट तो होता ही है ठीक है. तो यहां पे b कैसा था, ओपन था, ओपन सेट था ना b, जो कि टो से बिलोंग कर रहा था ठीक है. बीच वाला ओपन आ रहा है और ये इसका सबसेट है, तो क्या बोलेंगे हम, जो b है वो x का क्या बनेगा, नेबरहुड, नेबरहुड बनेगा. That implies b is नेबरहुड ऑफ x. अगर b x का नेबरहुड हो गया, इसका मतलब जो b है वो कहां से बिलोंग करेगा, फिर nx से बिलोंग करेगा. दैट इंप्लाइज b बिलोंग्स टू nx, b कहां से बिलोंग करेगा, nx से ठीक है. कब, b इज ओपन, और b ओपन आपको दे रखा है, इसने बोल रखा था ठीक है, हेंस प्रूफ.